फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ प्रोसेस की हम बात करते हैं। प्रोसेस के अंदर प्रोसेस कौन से प्रोसेस की बात करते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबायटिक, आइसोथर्मल, एडियाबायटिक, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। ये चार प्रोसेस जो है फर्स्ट लॉ के बेस पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी के प्रोसेस जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो एनर्जी चेंज का फॉर्मूला होता है क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, आइसोथर्मल का मतलब क्या है? आइसो मतलब सिमिलर, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। यहाँ पे सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा है हमने। सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब देर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी की वैल्यू ज़ीरो। अब डेल्टा टी ज़ीरो है तो यानी कि एनर्जी चेंज भी नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, एनर्जी चेंज नहीं होगा। एनर्जी चेंज नहीं होगा तो डेल्टा यू की वैल्यू ज़ीरो, क्यू प्लस डब्ल्यू, जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, या फिर डब्ल्यू को बोल सकते हैं माइनस क्यू। क्यू इज़ द हीट, डब्ल्यू इज़ द वर्क। और क्यू की हम माइनस डब्ल्यू यानी कि इसको हम वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं तो माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन या वी फाइनल बाई वी इनिशियल दिस इज। और एल एन को हटा के हम बात करते हैं तो 2.303 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और लॉग बन जाता है वी एफ बाई वी इनिशियल। 2.303 माइनस साइन के साथ एन आर टी लॉग वी वन, सॉरी वी टू बाई वी वन।